नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक न्यू ब्लॉग पे। और आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि आज से कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। चलिए चलते हैं, आ रहे हैं चिड़ियाघर घूमने। और आपको ये रहा टिकट, ये देख सकते हैं ये रहा टिकट। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं। और बता दूँ सर, अभी जो COVID-19 के चलते बहुत सारा ऐसा है जो मतलब कि एरिया है वो क्लोज हो चुका है, मतलब कि वो बंद है। और इसका जो टाइमिंग है वो 6 बजे से 11 बजे का टाइमिंग है, जो कि सुबह में खुलता है। तो चलिए चलते हैं, मेरा चेक ये देख। तो चलिए चलते हैं अंदर और घूमते हैं। तो इस तरह का आपको सीन मिलेगा। ये है पटना का चिड़ियाघर, ये देखिए। ये देखिए, एक ये मेन गेट हुआ जो कि आपको सीधे सामने पड़ेगा। और इस साइड ये आपका पड़ेगा टिकट काउंटर। ये देखिए, ये टिकट काउंटर हो गया। इस साइड पड़ेगा मेन गेट और एक है ये। तो अब चलते हैं इधर से। और यहाँ पे ये पार्किंग का जगह है, ये देखिए। जो भी पार्किंग आप यहाँ पे कर सकते हैं, साइकिल इधर कर सकते हैं और बाइक वगैरह बाहर कर सकते हैं। तो चलिए मैं घूमता हूँ और चलिए अंदर देखते हैं क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। और ये रहा पार्क, इधर से पार्क ही पड़ता है सब यहाँ पे। सुबह में पता है दोस्तों, सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए खुलता है। और जब ये अनलॉक जिस तरह से हो रहा है अभी लॉकडाउन, तो अगर फुल्ली देखते हैं कितना दिन लगता है इसको ओपन होने में। तो चलिए देखते हैं आगे। और बता दूं दोस्तों, यहाँ पे अगर आप मास्क लेके नहीं आते हैं तो आपको यहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगा। हाँ, और बता दूँ, यहाँ पे जो एडल्ट है उनके लिए जो टिकट है वो 30 रुपया लग रहा है अभी। और मास्क आपके पास नहीं रहता है तो मास्क आपको वो देंगे कुछ, ठीक है, उनका पेमेंट आपको करना पड़ेगा। तो यही था। और यहाँ पे अभी आपको बता दूँ कि यहाँ पे मॉर्निंग वॉक के लिए सिर्फ जो वनस्पति है जहाँ पे या पार्क है ये सब ओपन है। और बाकी जो भी एनिमल का है पार्क वो सब अभी क्लोज है। तो यहाँ पे सिर्फ मॉर्निंग वॉक के लिए सुबह में खुलती है। तो चलिए दिखाते हैं कौन कौन से पार्क हैं यहाँ पे। देखिए सब मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। बता दो दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्या रखा हुआ है। देखिए ये एक मॉडल बनाया हुआ है और यहाँ पे ये चिड़ियाघर में रखा हुआ है। देखिए यह है विमान। और इसको बता दूँ, यहाँ पे ये बालू सीमेंट से तैयार किया जा रहा है, इस पे रखा जाएगा। और आ चुका है पार्क। और ये है यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो है रोज गार्डन, यानी कि गुलाब गार्डन। तो दोस्तों हम आ चुके हैं रोज गार्डन यानी कि गुलाब गार्डन। तो ये रहा, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये रहा गुलाब गार्डन, आपको थोड़ा सा लाइट करके दिखाता हूँ। देखिए ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे गुलाब पार्क में एक कार्य हो रहा है। यहाँ पे देखिए उसको, उसका कहते हैं निकाय। ये देखिए सफाई हो रहा है। हिरन ये देखिए इधर भी, मैं इधर का नज़दीक करके जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मना है तो मैं नहीं जाऊंगा। चलिए इधर से चलते हैं मंदिर भोला बाबा का, यानी कि महादेव का। और इसी के जस्ट इस साइड में है पार्क, यहाँ पे ये देखिए। देखिए कैसे किस तरह से लॉक है। देखिए देखिए अभी है लॉक लगा। ये रहा ग्रीन हाउस। तो आपको मछली घर, ये रहा मछली घर। यहाँ पे लिखा हुआ, ये रहा यहाँ पे होटल। ये यहाँ बिहार का मशहूर चटपटी होटल। ये देखिए रहा मछली घर। COVID-19 के वजह से ये अभी बंद है। और यहाँ पे जो टिकट है ये देखिए लिखा हुआ है मछली घर। ये रहा झील पार्क, वहाँ से ये आप बुक कर सकते हैं। और देखते हैं कितना दिन लगता है ये ओपन होने में। ये चिड़ियाघर का बहुत ही
फेवरेट जगह है मेरे। यहाँ पे है स्टीमर, ये देखिए। और दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अंदर जाना मना है। और देखिए ये क्या है अंदर में, ये है जिराफ। ये डाउट लग रहा है ये ओरिजिनल है ये डुप्लीकेट है, यहाँ पे ये देखिए करा है। चलिए इसको नज़दीक से देखते हैं। लिखा हुआ जिराफ, ये देखिए आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रवेश निषेध, वन्य जंतु प्रजनन क्षेत्र खुलने का समय प्रातः 8 बजे, नो एंट्री। और ये रहा गेट नंबर 1। ओरिजिनल है या इसका स्टैचू बनाए हुए, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे खड़ा है, देखिए कैसे खड़ा है, मिलता भी नहीं थोड़ा भी। ये आपको लग रहा है कि ये ओरिजिनल है एकदम सही वाला? अगर लग रहा है तो मुझे बताइए कमेंट करके। अरे भाई सच में ये भाई सच में ओरिजिनल है यार। और यहाँ पे बेली रोड जाने का रास्ता है गेट नंबर 1 का, ये रहा, यानी कि नंबर 1 गेट आपको जाना है तो यहाँ जिराफ के पास से ये एंट्री कर सकते हैं। और ये रहा वाटर पार्क का मेन गेट, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए। और वहाँ पे ये झरना है जो कि यहाँ से नहीं दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। देखिए यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ पर सेल्फी ले सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं। अब दोस्तों बता दें, अगर आप चिड़ियाघर आ रहे हैं तो अकेले मत आना, ठीक है, किसी के साथ आना। तो आपको चिड़ियाघर घूमने में थोड़ा ज़्यादा ही मज़ा आएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। और बता दें दोस्तों यहाँ पे ये देखिए इस तरह का ये मेनू लिखा हुआ है, देखिए किधर किधर, ये ऊपर जिराफ, सांभर, गेंदा, ये क्या लिखा हुआ है, मणिपुर हिरन, सिंगा हिरन, घड़ियाल। तो इसका रास्ता इधर है, इस साइड, जो कि जिराफ मैंने देख लिया। और इधर कुछ नहीं है, वहाँ पे भाई सब सो रहे हैं, ये देखो चिल। और ये है महिला, और ये है पुरुष, जो कि है टॉयलेट। रेस्टोरेंट मयूर लेक साइड कैफे, कैफे है ये तो, ये देखिए काफी अच्छा है ये देखिए, पर ये भी अभी लॉक है, ये देखिए, ये देखिए सब कोरोना ने ले रखी है सबकी। ये देखिए ये रहा इसका मेनू, कितना अच्छा है, पर क्या करें। और ये रहा इसका पार्क है इस साइड का, और उस साइड वो एनिमल का पार्क है। और यहाँ पे आप बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं। कितना अच्छे से जी रहे थे, फिर इस एक हरामखोर ने चमगादड़ खा लिया, फिर हम लोग का अभी साल भर हो चुका है घर में बैठे बैठे, से आप क्या बोलना चाहेंगे नीचे कमेंट करिए। दिखाते हैं, ये रहा देखिए, ये है झील और वहाँ पे मेनू, चलिए जूम करके आपको दिखाते हैं एक बार फिर से, वहाँ पर भी है, चाहे तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, फ्री वाईफाई। सच में दोस्तों सच में यहाँ पे फ्री वाईफाई दे रखा है पटना जू वालों ने, ये देखिए। और यहाँ पे लिखा हुआ था, यहाँ पे देखिए बिल्कुल फ्री वाईफाई आपको मिलेगा, कोई पासवर्ड नहीं है, आओ कनेक्ट करो चलाओ। तो मैं आपको ट्राई करके और आपको बताता हूँ। मैंने वाईफाई किया चेक, और इसमें आपको जैसे ही वाईफाई का आएगा ओपन करिएगा तो उसमें टैप करिएगा, साइन इन करना पड़ेगा, आपका नाम नंबर
देंगे तो आपको उस पे OTP आएगा, वो डालेंगे तब ये कनेक्ट होता है। और इसका जो स्पीड था वो 1 MB का था, नॉर्मल जो जियो का स्पीड आता है वो। भाई इससे अच्छा अपना नेट चला लो। ये चलिए फोटो खींचते हैं। तो दोस्तों बता दूँ, हम उसी जगह पे जहाँ आप आए हैं, जहाँ पे हम एंट्री किए थे। ये देखिए, ये रहा मंदिर, ये देखिए रोज गार्डन, ये रहा रोज गार्डन, ये रहा गेट। तो चलिए चलते हैं। ये देखिए, ये है रोज गार्डन। लगते हैं बैठ गए, हो गया उनका लग का काम ख़त्म। धूप भी हो गया लगता है बहुत ज़्यादा। ये देखिए, ये रहा रोज गार्डन। ये देखिए, मैं पूरी करता पूरा यहाँ से ऐसे 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 पूरा है, छोटा सा है लेकिन पूरा में रोज लगा हुआ हर वैरायटी। तो रोज गार्डन में कुछ नहीं था। और उधर से जा रहा है फ्लाइट, वो बहुत ही नज़दीक। हाँ तो दोस्तों, आपको पता होगा कि चिड़ियाघर के जस्ट बगल में एयरपोर्ट है, तो यहाँ से आपको फ्लाइट क्रॉस करेगा तो आपको बहुत ही नज़दीक और नीचे दिखाई देगा। पटरी आप देख रहे हैं, ये इसमें एक ट्रेन चलता था जो कि बंद हो चुका है। और यहाँ पे देखिए, इस तरह का ट्रेन था और बहुत ही छोटा पटरी था। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए कितना छोटा था। ये देखो, जू में टेम्पू चल रहा है। अच्छा, ये जू का अपना पर्सनल है। तो क्या लिखा हुआ है, सफ़ेद मोर, सफ़ेद मोर एक नीचे है। जो गाड़ी है ये अभी चलती है, करेंटली वर्किंग, मतलब ये अभी वर्क करता है, चलता है। ये देखिए, इस पर आप बैठ के घूम सकते हैं। ये देखिए, ये रहा गाड़ी और ये था स्टेशन। ये देखिए, ये देखिए, ये था स्टेशन। और ये देखिए, यहाँ पे है बंदर और यहाँ पे बहुत सारे पक्षी है। देखिए उनका पूरा लिस्ट है, नो एंट्री। और यहाँ पे जो है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या है वहाँ पे। देखिए क्या है, ये है सांप घर। तो अभी ये COVID-19 के चलते बंद पड़ा है, बंद नहीं मतलब बंद कर दिया गया है। और बता दूँ दोस्तों, 6 से 11 सुबह में खुलती है, तो 11 बजने में कुछ मिनट बाकी है। तो चलिए अब चलते हैं बाहर। ओके, नो एंट्री बट एनिमल ब्रीडिंग एरिया ओपनिंग 8 AM। अरे ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है बताओ दोस्तों, ये किस जानवर का साउंड है। ये जो मैंने आपको दिखाया था वो देखिए कैसे आ रहा है इधर से। हाँ ये देखिए, तेंदुआ सिंह बाघ भालू, ये रहा इसका गेट है। यहाँ पे इसका फोटो लगा हुआ है। और ये रास्ता है जो कि अभी बंद है। जानवर है, आजा आजा, इसका नाम क्या है, तोड़ देगा आज, आज ही खोल देगा। अभी लॉकडाउन की वजह से जो एनिमल पार्क था वो अभी क्लोज था, तो मैं कोशिश करूँगा, देखता हूँ, वेट करता हूँ ये कब खुलता है, तो मैं फिर विजिट करूँगा। और यहाँ पे क्या देखो क्या लिख रहा है, थैंक यू विजिट अगेन। तो मैं फिर विजिट करूँगा और मुझे उम्मीद है कि ये आपका ये छोटा सा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मैं फिर मिलूँगा एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।